तो गाइस यार आज एक नया व्लॉग और इस नए व्लॉग के अंदर हम करने वाले हैं इस कांच का रिप्लेसमेंट। जी हाँ गाइस, तो काफी दिनों बाद हम जा रहे हैं फॉर्च्यूनर के शोरूम के अंदर। आपको याद होगा कि एक मीटअप के दौरान किसी हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने इस कांच को उखाड़ लिया और उखाड़ के फोटो फ्रेम के अंदर सजा दिया। तो उसके बाद में गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। ये टूट गया, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नया लगवाते हैं तो उसके लिए शोरूम जाना पड़ेगा। यहाँ वहाँ पे नहीं मिलता है, तो आज हम जा रहे हैं शोरूम और साथ के अंदर है टीम। चलो चलो चलते हैं फॉर्च्यूनर के शोरूम। अरे भाई रुको रुको रुको, मेरे लिए भी। ये मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं यार। अरे हद होती है यार। ओ यहाँ पे तो बहुत ज्यादा भीड़ है, इतने जने क्या करोगे, ये कांच लगाने चल रहे हैं। चलो भाई चलते हैं। जहाँ पे हम रहते हैं ना, वहाँ से पास में ही टोयोटा का शोरूम है। वो आ गया ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट की ड्राइव पे, लेकिन हम जाते ही नहीं है। हमें आज लगभग उस बात को 2-3 महीने हो गए, उसके बाद में कार चेंज करा रहे हैं। तो भाई लोगों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं टोयोटा की शोरूम और अपनी गाड़ी का कांच चेंज करवाते हैं। चलो 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 चलो। कार्स कार्स कार्स, जब गाड़ियों की बात आती है तो आपको भी पता होगा कि हमारा कमेंट सेक्शन पूरी तरीके से गाड़ियों से भरा ही रहता है कि भाई आपके पास कौन सी गाड़ी है, कितनी गाड़ियां हैं। और काफी सारे यूट्यूबर्स ने हमसे ये सवाल भी पूछ रखा है, गाड़ी कितनी आपके पास? 15 गाड़ियां। हाँ, एक और गोदाम है वहाँ पे भी खड़ी है। तो भाई लोगों, आपको पता ही होगा कि हमने गाड़ियों पे कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं। जब मैं गाड़ियों को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में बस यही सवाल आता है कि यार एक समय था जब गाड़ियाँ स्टीम इंजन से चला करती थी, और आज एक ऐसा दौर आ चुका है कि गाड़ियाँ इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है। और उन्हीं में से एक कंपनी है इलॉन मस्क की टेस्ला। टेस्ला ने ऐसी गाड़ियाँ बना दी है जो कि खुद ब खुद चलती है, इसका मतलब एक चलता फिरता रोबोट। और आपको पता है वो सिंगल चार्ज में काफ़ी ज़्यादा दूरी तय कर सकती है। बट आपको पता है टेस्ला एक ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं थी। जी हाँ, वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं थी, वो एक टेक कंपनी थी जिसने सिर्फ 5 गाड़ियाँ बनाई, और उन 5 गाड़ियों की मदद से आज वो पूरे वर्ल्ड पे इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के अंदर किंग है। जी हाँ गाइस, और अगर आप भी इंटरेस्टेड है इलॉन मस्क की टेस्ला के बारे में और जानने के लिए, तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऑडियो बुक। जी हाँ गाइस, एक टेस्ला द कार ऑफ फ्यूचर ऑडियो बुक, जो कि कुकू एफएम पे अवेलेबल है। और अगर आप मेरा दिया गया कूपन कोड हैकर व्लॉग्स 50 यूज करते हो तो आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई लोगों, वेट किस चीज का कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डाउनलोड करिए और अपनी ऑडियो जर्नी को स्टार्ट कीजिए। बाबा बाबा बाबा, अपने देसी स्टाइल से एंट्री करिए धूमधाम तरीके से। बिल्कुल एंट्री वाली है अपनी। वैसे मैं जनरली आता नहीं हूँ शोरूम के अंदर, लेकिन ये कांच मुझे लगवाना था तो मैं स्पेशली आ गया। अब देखते हैं किससे मिलना है, अंदर ही चलते गाइस, देखते हैं किससे बात करते हैं कांच के लिए। मुझे तो नहीं पता यहाँ पर क्या सीन है, कैसा है, बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग हमें देख रहे हैं। अरे भूत नहीं है, सब कैसे हम ही देख रहे हैं यार। वो साइड में फॉर्च्यूनर का वो कांच आता है ना, मिरर, वो साइड में रहता है मिरर, फेंडर मिरर। हाँ वो लगवाना था भाई। लोगों सबके सब हम ही देख रहे, बोल रहे हैं कौन आ गए कैमरा लेके, इतने सारे जने एक कांच लगाने के लिए इतने सारे जने आ गए। किधर से? अरे रास्ता किधर से? उधर से उधर। अरे सबके सब चल रहे हो यार, गाड़ी की कांच ही तो लगवाना। नहीं हम पैदल जाएंगे। लिफ्ट बंद है, पपट हो गया। हवाली गुब्बारे लगवा, कांच लगवाने हैं गुब्बारे लगवा। ओह अभी हम तो बहुत सारी भीड़ है। अरे कुछ प्रोग्राम प्रोग्राम हुआ दी क्या है भैया? हाँ कोई प्रोग्राम हुआ दी क्या? ओ नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया ठीक है। नई गाड़ी लॉन्च हुई है? अरे वाह। ओ भाई साहब, ये कौन सी गाड़ी है? ये हाई राइडर है ना?
भाई लोगों यही थी वो टोयोटा की नई गाड़ी जो अभी लॉन्च हुई है, एक नंबर यार। अपने को तो पता ही नहीं था। मेरे को पता था ना। मैडम कहा कि उससे पूछते हैं। मैम ये अभी लॉन्च हुई है क्या? हाँ जी आज लॉन्च हुई है हाईराइडर। अच्छा क्या प्राइस है इसकी? प्राइस अभी रिवील नहीं हुई है पर सेल्टोस क्रेटा का रेंज रहेगा इसका और फेस्टिवल सीजन पर कस्टमर को मिल पाएगा। अच्छा हाइब्रिड माने मतलब इलेक्ट्रिकल और वो नहीं, जो हाइब्रिड में ये रहेगा आपका कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है जब फ्यूल कंजप्शन होता है वो नहीं होगा, बैटरी पर स्टार्ट होगी गाड़ी। अच्छा 40 की स्पीड पर आप बैटरी पर ड्राइव कर पाओगे। ठीक है आइए सर देखाते हैं। हम आए थे कास्ट लगवाने, यहाँ पे गाड़ी देख रहे हैं। मस्त भैया कैसे हो आप? बस बढ़िया भाई। इंजन पुश बटन इसके अंदर अपन को मिल रहा है, हाइब्रिड के अंदर अपन को। रुको रुको मैडम रुको तो सही। अरे वाह अच्छा चेंज हो गया काफी है ना टेक्नोलॉजी पे काफी ध्यान। शिफ्ट वाला नहीं लग रहा? हाँ शिफ्ट में आता है जैसा। अरे ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है यार गाड़ी अंदर अंदर से दिखाता हूँ आपको। देखो ये देखो वाह यार ये बटन देखो शानदार। सनरूफ भी है? सनरूफ ये पहली गाड़ी है पीछे से। सेकंड कार जो है सर वो कैमरा के बाद में यही जो है वो सनरूफ में आई है अपने पास में टोयोटा में। अच्छा टोयोटा में जो हमने क्वालिटी इसके अंदर यूज करी है वो हमने कुछ हाइब्रिड का टेक्नोलॉजी यूज करी। अरे यार उनसे फॉर्च्यूनर वालों से बात ओ टोयोटा से बात करके फॉर्च्यूनर में भी लाओ सनरूफ यार। नहीं फॉर्च्यूनर भी लाएंगे सर डेफिनेट लाएंगे पर जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो टोयोटा ने फर्स्ट टाइम अपने कैमरे में दिया और सेकंड टाइम अपनी इसमें गाड़ी में दे रहा है हाईराइडर के अंदर। अच्छा बहुत ही शानदार गाड़ी है। बढ़िया है यार पीछे से मस्त। कौन कौन से कलर में आ रही है? सर कलर की बात करूँ तो इसमें ब्लू भी मिलेगा, रेड भी मिलेगा, सिल्वर है, ग्रे है, गोल्डन कलर भी ऑप्शन है आपके पास में। पीछे से देखो कुछ इस तरीके की है। बूट की बात करूँ तो देखिए सर 327 लीटर का बूट स्पेस है और 178 वोल्टेज की बैटरी है। अच्छा यहाँ पे बैटरी है? बैटरी है 178। इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसमें बैटरी का सिस्टम है इसलिए बूट छोटा है। चलो ये अपना आई राइड है। आए तो कांच लगवाने थे गाड़ी देख ली नहीं। अच्छा हमें कांच लगवाना था यार फॉर्च्यूनर का थोड़ी गया हमारा। तो आप भेजना गाड़ी को भेज दो। ले आए ना मैं हम खुद ही इसलिए ले आए हम गाड़ी। हाँ तो अभी दे दे। बाकी ये गाड़ी देखिए भी मस्त लग रही है। गाड़ी सुपर है। हाँ अर्बन क्रूजर हाई राइडर। ये हाइब्रिड है 28 का माइलेज क्लेम कर रही है इस गाड़ी का कंपनी जिसमें आपको मान सकते हो 40% से बिलो अगर बैटरी चली जाती है तो इंजन स्टार्ट होकर के खुद सेल्फ चार्ज होती है। दो दो चाबी दो ना फिर लेके चलते अभी। गाइस टोयोटा ने सनरूफ तो दे दिया मोटा। एक बार निकली एक बारी तब पता पड़ेगा सनरूफ का असली मतलब। हाँ सनरूफ कितना बड़ा है भाई मोटा भाई से पता चल जाएगा साइज का। दो आदमी आराम से आ सकते हैं। मोटा भाई कैसा लग रहा है? मजा आ रहा भाई पानी भी लेता हूँ अंदर। गाड़ी तो चल भी नहीं रही उसको भी से मजा आ रहा है ना बाहर से। हाँ यार गाड़ी में इंजन भी मैच बैटरी से चलेगी बस। इंजन प्लस बैटरी दोनों से चलती है। अच्छा बैटरी सेल्फ चार्ज भी होगी जब 40% से बिलो बैटरी चली जाएगी ना इसकी तो ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट हो जाएगा। इंजन स्टार्ट करके बैटरी को चार्ज भी करेगा। बढ़िया है। और वो जो एवरेज इसका 28 का ऐसी ऐसी और भी कोई गाड़ी आती है हाइब्रिड? नहीं टोटल में कैमरी और ये सर दो दूसरी गाड़ी हाइब्रिड है टोटल। बढ़िया इसके अलावा किसी गाड़ी में सेगमेंट में इस वीडियो वायरल करने की निंजा टेक्निक। यहाँ पे एक गाड़ी ठुकी हुई है तो मैं क्या करता हूँ इसके पास बैठ के थंबनेल ले लेता हूँ और थंबनेल में लिख दूंगा हमारी गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट और फिर हम बोल देंगे प्रैंक हो गया। निंजा टेक्निक सीख लो आप भी। ठीक है तो मैं यहाँ पे ऐसे बैठ के फोटो ले लेता हूँ है ना। फोटो खींच ले काम हो जाएगा। सर पकड़ते हुए फोटो ले लेता हूँ यहाँ पे। गाइज मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे आ गया बहुत ज्यादा भीड़ होगी मैं निकलूंगा ये काज ठीक करा के लाएंगे। हाँ भैया बोलो। एक हमारा राजा भैया बहुत आपके अरे भाई साहब इतने सारे से हैं। अरे यार भाई गाड़ियाँ रुक रुक के देख रही है। यही होता है जब भैया आते हैं अभी काम करते हैं भैया को यहाँ से जल्दी से रबू चक्कर करते हैं। क्यों बोटा भाई? हाँ रबू चक्कर करते हैं फिर अपना अपन आना हम आराम से छूट ले लेते हैं जो हमें लेना है। चलो ठीक है भाई। गाइज मुझे निकलना पड़ेगा कांच ये लोग लगवा लेंगे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई यहाँ पे तो अपना थार आ गई है थार। बाय मोटे। ओके बाय बाय गुड नाइट। अबे गुड नाइट क्या बोल रहे बाय बाय।
ले और कौन चल रहा मेरे साथ? वाह यार अलग ही टोरा, इनका काले शीशे करा के निकल गए। बाय 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 बाय। तो भाई लोगों, भैया लोग तो चले गए, अब हम हमारा शूट कंप्लीट करते हैं। चलो बिल्कुल। तो भाई लोगों, जो कंपनी के मैनेजर वगैरह हैं वो वहाँ समोसे खा रहे हैं, तो हम जाके थोड़ी सी कॉमेडी कर देते हैं। चलो सर, समोसा कितने का? सर समोसा बहुत महंगा है। बहुत महंगा है जी। तो अभी कितने का है? समोसे के बदले खून देना पड़ेगा। वाह यार, लो खून निकालो फिर। चलो बोतल है। तो भाई लोगों, चाय आ गई हमारी। चाय 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 पी लो। चाय चाय सर चाय चाय। तो भाई लोगों, फाइनली हमारी गाड़ी पे कांच लग चुका है। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे रुके थे वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। और साइड मिरर लगा दिया ना मोड़ा भाई? लगा दिया। देखो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहा हमारा ब्रांड न्यू कांच। देखो अब इसमें इस तरीके का दिखेगा। कुछ दिख नहीं रहा है वैसे? नहीं दिखता ना पगले यार, इंजन टायर दिखता है, ड्राइवर को दिखता है। अरे ये क्या चिपका दिया यहाँ पे? ये क्या करा गाड़ी? टेप चिपका दिया अपनी गाड़ी की। ये डॉक्टर टेप है ये। तो अब चले भाई को। थैंक यू घर चले। तो हम ऐसा कर रहे की गाड़ी यही छोड़ के जा रहे हैं और अभी भैया को दे देंगे, ये चलाएंगे। पेपर लेना क्या? बस 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 मेरे को भाई बोल रहा है। तो भाई लोगों, फाइनली हम टोयोटा शोरूम से निकल चुके हैं और हमने हमारी गाड़ी पे नया कांच भी लगा लिया। वो देखो वो रहा, यहाँ से दिखेगा। देखिए देखिए यहाँ से दिख रहा है नहीं वो, मतलब क्या दिखता है उसमें? देखो ये देखो क्या दिखता है, टायर दिखता है। अच्छा हाँ, टायर दिखता है पूरा, दिखता उससे टायर दिखता है। तो भाई लोग अब क्या करते हैं, सीधा चलते हैं जयपुर। जयपुर नहीं, जयपुर जयपुर जयपुर। ऑफिस ऑफिस, अभी ऑफिस चलते हैं। पहले पेट्रोल भरा था, पेट्रोल नहीं है, डीजल सॉरी यार। अच्छा आपने तो डीजल गाड़ी है, पेट्रोल। चलो भाई पहले डीजल भराते हैं फिर ऑफिस चलते हैं। बस बड़ भाई बस, रेड बत्ती हो गई धीरे धीरे। तो भाई लोग वो पेट्रोल पंप पहुंच गए। तो एक काम करते हैं, पेट्रोल भराते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई लोग वो पेट्रोल भरा लिया है, अब हम सीधा चल रहे हैं जयपुर ऑफिस ऑफिस ऑफिस। चलो 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 हाँ कर लिया यार। ब्लॉग ब्लॉग चालू रहे तो गाना उड़वा मन ही नहीं कर। चलो गाने चल दो। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब दूजे रब की कोई खोज नहीं। तो भाई लोगों, नाश्ता पानी करके सब कुछ करके हम वापस से आ चुके हैं हमारे ऑफिस। कितने बजे निकले थे अपन? अपन निकले थे सुबह 10 बजे। सुबह मजाक कर रहे, सुबह 10 बजे नहीं, 2-3 घंटे हो चुके हैं, 2-3 घंटे बाद आ रहे हैं। सुबह से कुछ काम किया नहीं, कांच लगवा के लेके आए वहाँ, बस एक कांच लगवा के लेके आए हैं। हाय। तो भाई लोगों, फाइनली 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 हम ऑफिस पहुंच चुके हैं और हमने हमारे घोड़े के कांच लगवा लिया नया वाला और यहाँ पे डॉक्टर टेप भी लगा दी। अब तो आज टोटल हमने क्या करा है, सम अप करते हैं। हम गाड़ी के कांच लगवाने गए थे, हमने नई गाड़ी देखी, मस्त थी गाड़ी, हाई राइडर नाम से थी। और फिर हम वापस आए, नाश्ता पानी करा और अब हम ऑफिस आ गए। और मोड़ा भाई कैसी रही जर्नी? बस बढ़िया, मजा आ गया। लेट्स सी, देखते हैं अंदर कौन क्या क्या कर रहा है। यहाँ पे हमारे भूपेंद्र साहब बैठे हुए हैं। क्या कर रहा है भूपेंद्र? कुछ नहीं, यहाँ पे भैया सो रहे हैं। भाई लोग भैया सो रहे हैं, भैया को डिस्टर्ब नहीं करते। बाबा क्या कर रहे हो? परेशान हो गया यार, थोड़ा आराम कर लेते हैं। आराम कर लेते हैं। तो भाई लोग, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो भाई लोगों, एक टेस्ला द कार ऑफ फ्यूचर का ऑडियो बुक कुकू एफएम पे अवेलेबल है। कुकू एफएम पे और भी काफ़ी सारे ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि टोयोटा का है, मारुति का है, कोको कोला का है, काफ़ी सारे ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अपनी ऑडियो जर्नी को स्टार्ट कीजिए।